मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें आपको बताया गया था कि टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का रियल इवैल्यूएशन कार्बन के बेसिस पे ना कर करके हम लोग कनेक्टिविटी के बेसिस पे या एनवायरमेंट के बेसिस पे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम में कैसे करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप कहेंगे किसको? तो अल्केन से एक हाइड्रोजन जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो अल्काइल हो जाएगा। अल्केन का एएनई जो है कन्वर्ट हो जाता है वाईएल में, तो पढ़ेंगे अल्काइल। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल। कहने का मतलब क्या हुआ? अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा CnH2n+1। तो इसको हम लोग कहेंगे अल्केन, और इसका अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+1। अब अल्काइल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1 एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। पहले भी आपको बता दिया गया है। क्या कह रहा है कि द ग्रुप विच इज फॉर्मड रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। आपसे अगर कोई पूछ दे कि अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हैं, अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिएगा, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप कहेंगे। जैसे एक कार्बन का अल्केन फैमिली में नाम क्या बताए थे? तो एक कार्बन का अल्केन फैमिली में नाम होता है मीथेन। अब मीथेन से आपको क्या किया गया? एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दिया गया। तो एक हाइड्रोजन जब आप रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CH3। तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड देना जरूरी है। अब अभी आपको क्या बताया? एएनई जो है कन्वर्ट हो जाता है वाईएल में, तो यहां पर वाईएल लगा दीजिएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। याद रहेगा मीथेन से क्या हो गया? मिथाइल। जैसे दो कार्बन का अल्केन फैमिली में क्या होता है? C2H6। इसका नाम क्या बताए थे? इथेन। अब इथेन से एक हाइड्रोजन जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? C2H5। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ANE के जगह पे YL यहां पे लगा दीजिएगा तो इसको पढ़ेंगे इथाइल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल। याद रखिएगा मीथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो इथाइल। ठीक उसी तरह से तीन कार्बन का अल्केन फैमिली में मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C3H8। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। अब यहां से एक हाइड्रोजन जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा C3H7 और इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल। जैसे चार कार्बन का अल्केन फैमिली में फॉर्मूला हो गया C4H10 और नाम क्या होता है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H9 और नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। यानी कि याद कैसे रखिएगा? मीथेन से मिथाइल हो गया, इथेन से इथाइल हो गया, प्रोपेन से प्रोपाइल हो गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो गया। समझ में आ रही बात? तो याद रखिएगा कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है? अल्काइल हो जाता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको बताया CnH2n+2 और अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। और अल्काइल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी अल्केन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना होगा? तो ये आपको पिछला क्लास में जो आपको बताए थे अब उसका यूज होगा। कैसे आपको पता चलेगा? तो कोई भी अल्केन है तो उसमें जितना तरह का हाइड्रोजन होगा, ध्यान से समझिएगा, कोई भी अल्केन है तो उसमें जितना तरह का हाइड्रोजन होगा उतना अल्काइल ग्रुप होगा। याद रहेगा अब जितना तरह का हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के बेसिस पे डिसाइड ना कर करके किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे?
कनेक्टिविटी के बेसिस पे या इन्वायरमेंट के बेसिस पे। तो एक लाइन आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स डिराइव फ्रॉम ए गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्किन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट। यही आपको बताया गया कि कोई भी अल्किन में टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितना होगा, तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा डिफरेंट एनवायरमेंट या डिफरेंट कनेक्टिविटी में। जैसे अब यहां पे मीथेन है, अब आपसे इसका नाम क्या है, मीथेन। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए मीथेन में कितना तरह का हाइड्रोजन है, तो ये चारों हाइड्रोजन एक ही तरह का है, कैसे बताए थे, तो इस हाइड्रोजन को अगर ढक दीजिए तो आपका मिथाइल, इसको ढकिए मिथाइल, इसको ढकिए मिथाइल, इसको ढकिए मिथाइल, यानी कि इस चारों हाइड्रोजन में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे तो आपका जो अल्काइल ग्रुप बनेगा इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और मीथेन से एक ही अल्काइल ग्रुप बनेगा जिसका नाम क्या होगा, मिथाइल। क्यों एक ही, अब कोई पूछ दे कि मीथेन में कितना अल्काइल ग्रुप बनेगा तो आप बोलेंगे एक। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए एक ही अल्काइल ग्रुप क्यों होगा, तो आप कह सकते हैं कि मीथेन में चारों हाइड्रोजन जो है सब एक जैसा है, यानी कि उसका कनेक्टिविटी एक जैसा है। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए कि ओनली वन अल्काइल ग्रुप मिथाइल इज ऑब्टेंड फ्रॉम CH4 बिकॉज ऑल फोर हाइड्रोजन्स आर इन आइडेंटिकल अटैचमेंट और एनवायरमेंट। मीथेन में क्या है, सारा हाइड्रोजन का अटैचमेंट या कनेक्टिविटी आइडेंटिकल है, एक समान है, इसीलिए मीथेन से सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका क्या नाम है, इथेन, इसको क्या पढ़ेंगे, इथेन। अब इथेन में आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना होगा, तो इसमें अब आप देखिए कि इथेन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पर अगर आप इसको ढक देते हैं तो मिथाइल, और इसको ढक दीजिएगा तो फिर मिथाइल, यानी कि दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है, तो हम कहेंगे कि छोबो हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। अब जैसे देखिए, अगर आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, CH3 CH2, और यहां पर एक बॉन्ड देंगे, इसका नाम हो गया इथाइल। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, हम यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा, आप हटा के देख लो, मेरे से पूछिए मत, यहां से एक हाइड्रोजन जब आप हटाएंगे तो ये CH2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3। अगर आपसे इसका नाम पूछे तो क्या होगा, इथाइल ही नाम होगा ना, यानी कि ये छोबो हाइड्रोजन एक जैसा है, ध्यान से समझिए, छोबो हाइड्रोजन इथेन में एक जैसा है, इसीलिए इथेन में भी एक ही अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और उसका नाम होगा इथाइल। इथेन में एक अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। नोट कर लीजिए इसको भी, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देते हैं, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब देखिए, अब हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए इसमें कितना तरह का हाइड्रोजन है, ये चीज आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला क्लास वाला वीडियो जाकर के देखिए, कैसे बताए थे, तो यहां पे ढक रहे हैं तो इथाइल, यहां पे ढक रहे हैं तो इथाइल, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कार्बन आपका आइडेंटिकल है, और इसको ढक रहे हैं तो दो मिथाइल जुड़ा हुआ, यानी कि इस कार्बन का कनेक्टिविटी ये दोनों से डिफरेंट है। तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे बताइए कितना तरह का हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलेंगे, दो तरह का हाइड्रोजन है, और जब दो तरह का हाइड्रोजन है तब प्रोपेन से कितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बनेगा, दो अल्काइल ग्रुप बनेगा। अब वो दो अल्काइल ग्रुप कौन कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, तो मान लेते हैं कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दी, तब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो कोई बच्चे बोलते हैं प्रोपाइल, तो गलत हो जाएगा, इसको बोलना होगा नॉर्मल प्रोपाइल, क्या बोलना होगा, नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखिए, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि नॉर्मल लगाना जरूरी है, तो हाँ,
नॉर्मल लगाना जरूरी है। क्यों नॉर्मल लगाना जरूरी है? तो देखिए, अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? CH3 इस तरह से। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा, और आप फिर बोलेंगे प्रोपाइल, तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। यानी कि दो डिफरेंट कंपाउंड का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल लगाना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि इसका नाम क्या होगा, तो आप बताइए इसका नाम क्या होगा। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है? आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। अब जो बच्चा को लगेगा कि आइसो तो सर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, आइसो कब हम लोग कहते थे? दूसरा कार्बन पे एक अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको आइसो कहते थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नजरिया आपका ठीक होना चाहिए। अगर सिर्फ आपको ऐसा लिखा हुआ है तब आपको आइसो दिखता है, ऐसा लिखा हुआ है तो आइसो नहीं आपको दिखता है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल, और इसको भी पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो अगर किन्हीं के दिमाग में आ रहा है ब्यूटेन, तो गलत होगा। क्यों? इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब बोलिएगा नॉर्मल क्यों लगाया गया, तो आपको पढ़ाया हुआ है ये कंटिन्यूअस चेन है, तो इसको हम लोग नॉर्मल लगाएंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें नॉर्मल ब्यूटेन में कितना अल्काइल ग्रुप होगा, तो जितना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब इसमें आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए, तो देखिए इसको ढक देते हैं तो क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल। इसको ढक दिए तो नॉर्मल प्रोपाइल, यानी कि ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है। यहां पर इसको ढक दिए तो इथाइल और मिथाइल, और इसको ढक दिए तो फिर इथाइल और मिथाइल, यानी कि ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है। तो नॉर्मल ब्यूटेन से दो अल्काइल ग्रुप निकलेगा, एक यहां से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो ये स्ट्रक्चर होगा CH3CH2CH2CH2। अब आपसे पूछा जाए अच्छा बताइए इसका नाम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल? तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल कहलाएगा। यहां पे नॉर्मल लगाना जरूरी है। फिर क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहां से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH CH3, और यहां से बॉन्ड फ्री हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो चार कार्बन है ब्यूटाइल तो होगा, कैसा ब्यूटाइल होगा? तो आप देखिए कि जिस कार्बन से बॉन्ड फ्री है वह कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और कोई भी कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, यानी कि इसका नाम जो होगा वो सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक उसी तरह से ब्यूटेन का दो आइसोमर होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कितना तरह का हाइड्रोजन है, तो इसको ढक दिए आइसोप्रोपाइल, इसको ढक दिए आइसोप्रोपाइल, इसको ढक दिए आइसोप्रोपाइल, यानी कि ये तीनों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, ठीक है। और इसको ढक दिए तो क्या हो गया, तीन मिथाइल आपको दिख रहा है, यानी कि इस कार्बन का कनेक्टिविटी डिफरेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोब्यूटेन में टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना होगा, तो दो। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि दो होगा, क्योंकि इसमें दो तरह का हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आप ये तीनों में से कहीं से भी निकाल दीजिए, तो यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CH CH3CH2, और एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि नाम क्या होगा, तो चार कार्बन है, आपको बताए थे कि कॉमन सिस्टम में जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग करते हैं, तो यहां पे टोटल कार्बन है सो 4 है, तो नाम तो आपका ब्यूटाइल होगा। कैसा ब्यूटाइल होगा, किसका कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है? तो दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल।
ये भी बताए थे कि आइसो और ब्यूटाइल के बीच में ना डैश होता है ना गैप होता है, ये सब बात पे ध्यान दे दीजिएगा। फिर अब क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को अब रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से जब एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिएगा तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब आपसे फिर पूछा गया कि अच्छा इसका नाम बताइए, तो इसका नाम टोटल कार्बन तो 4 है तो ब्यूटाइल तो होगा। कैसा ब्यूटाइल होगा, तो जिस कार्बन के साथ देखिए बॉन्ड फ्री है वह कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है इसका मतलब ये कैसा कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो एक और इंपॉर्टेंट बात आप नोट करके लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि सेकेंडरी जो वर्ड है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, एक जगह यूज होता है वो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसको आप लिख लीजिए कि द प्रेफिक्स सेकेंडरी इज अप्लीकेबल टू ओनली वन अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल एंड नो अदर अल्काइल ग्रुप। इसके अलावे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो वहां पे हम लोग सेकेंडरी यूज नहीं करेंगे, याद रहेगा। तो अब देखिए फिर आते हैं बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन का टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना होगा, ब्यूटेन का टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना होगा, तो 4 हो गया। नॉर्मल ब्यूटेन से 2 अल्काइल ग्रुप और आइसो ब्यूटेन से 2 अल्काइल ग्रुप। तो ब्यूटेन से टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना हो गया, 4। कौन कौन, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, इसका बेनिफिट यह है कि अगर कोई भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसका टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, आपको कहा गया, ध्यान से सीखिएगा, आपको कहा गया कि C4H9Cl, ये इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड। मोनो का मतलब एक हो गया, तो ब्यूटेन C4H10 होता है, एक हाइड्रोजन को हटा दिए और क्लोरीन लगा दिए। अब आपको कहा गया कि इसका टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए। अगर आपको यह पता है कि ब्यूटेन का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 4 होता है, तो इसका टोटल कितना स्ट्रक्चर हो जाएगा, 4 होगा। अब कैसे होगा, तो नॉर्मल ब्यूटेन में 2 अल्काइल ग्रुप बनता है, एक नॉर्मल ब्यूटाइल एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप क्या कीजिएगा, यहां पे क्लोरीन लगा दीजिएगा, इसमें यहां पे क्लोरीन लगा दीजिएगा, इसमें यहां पे क्लोरीन लगा दीजिएगा और इसमें यहां पर क्लोरीन लगा दीजिएगा। तो ये नॉलेज आपको होगा तब ना कि ब्यूटेन में 2 आइसोमर, सबसे पहला बात कौन कौन, तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का 2 अल्काइल ग्रुप कौन कौन, तो नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन का 2 अल्काइल ग्रुप कौन कौन, आइसोब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, तभी तो आप स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। नहीं तो अगर इसका नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो इस तरह का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स लिखिए, तो आपसे नहीं लिखा पाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करके या इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए कि किसी भी कंपाउंड के लिए, फॉर एनी कंपाउंड, कहता है कि नंबर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जितने तरह का हाइड्रोजन होगा उतना आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आप कंपाउंड लिख सकते हैं। जैसे अब इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेगा, क्वेश्चंस आपको रहेगा कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फ्रॉम पेंटेन। अब देखिए पेंटेन में टोटल कितना होगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, अब ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है ऑल आइसोमर्स। अब पेंटेन में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो है कितना होगा, ये टोटल आप स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा कि पेंटेन का कितना आइसोमर्स होता है। तो पेंटेन का पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि पेंटेन का 3 आइसोमर्स होता है, कौन कौन, तो नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसो पेंटेन और तीसरा नियो पेंटेन। अब आप बताइए कि नॉर्मल पेंटेन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो ये भी आपको बताए थे कि नॉर्मल पेंटेन में जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो 3 है,
कौन कैसे, तो देखिए इसको ढक दिए तो नॉर्मल ब्यूटाइल, इसको ढक दिए तो नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी कि इसका कनेक्टिविटी और इसका कनेक्टिविटी सेम है। इसको ढक दिए तो आपका देखिए नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल, और इसको ढक दिए तो फिर नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कनेक्टिविटी और इसका कनेक्टिविटी सेम है, और इसको ढक दिए तो दो इथाइल यानी कि इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यानी कि नॉर्मल पेंटेन में अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो 3, यानी कि यहां से 3 स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक उसी तरह से आइसोब्यूटेन में कितना तरह का हाइड्रोजन है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तब आप क्या देखेंगे, यहां पर देखिए इसको ढके तो आपको क्या दिख रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको ढक दिए क्या दिख रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है। इसको ढक दिए क्या दिख रहा है, आइसोब्यूटाइल, तो इसका एक कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। इसको ढक दीजिए तो आइसोप्रोपाइल और मिथाइल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का कनेक्टिविटी और कहीं पे नहीं था, तो कहेंगे कि ये भी डिफरेंट तरह का कार्बन है। और इसको ढक दिए तो दो मिथाइल और एक इथाइल दिख रहा है, तो इस तरह का कनेक्टिविटी भी कहीं भी आपको नहीं दिखा, तो हम कहेंगे कि ये भी है सो एक डिफरेंट तरह का कार्बन है। यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपसे यहां पे पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। इसका कितना हो गया, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 4 हो गया, इसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नियोपेंटेन। तो अब देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए तो क्या बोलेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखिए इसको ढक दे रहे हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको ढक दिए टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको ढक दिए टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको ढक दिए टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी कि चारों कार्बन का, ये चारों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है, आइडेंटिकल है। तो यहां पे कहेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है सो आपका ये 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 और ये सारा आइडेंटिकल है, तो हम लोग कहेंगे कि एक ही तरह का है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि पेंटेन में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बताइए कितना होगा, सारे ऑल आइसोमर्स आपको लिखना है, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 4 = 7 + 1 = 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोमर्स कितना होगा पेंटेन का, 8 होगा। समझ में आ रही बात, अब वो 8 स्ट्रक्चर कैसे लिखिएगा, तो बहुत आसान है। सबसे पहला क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लिखेंगे, फिर यहां से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लिखेंगे, फिर यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लिखेंगे, फिर इसमें देखिए इससे 4 स्ट्रक्चर आएगा और इससे 1 स्ट्रक्चर आएगा, तो बारी बारी से लिखते हैं, यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए, अब स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लिखेंगे, तो देखिए यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लिख दे, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंटाइल। कैसा पेंटाइल, तो नॉर्मल पेंटाइल। क्यों नॉर्मल लगाए, क्योंकि चेन आपका कंटिन्यूअस है और क्लोरीन है तो उसके लिए क्लोराइड लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल और क्लोराइड के बीच में गैप होगा, नॉर्मल पेंटाइल के बीच में डैश होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अब अभी यहां से हटाए, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा देंगे। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसका नाम बताइए क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इसका नाम जो है बोलते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है पेंटाइल, कैसा पेंटाइल, तो तुरंत बोल देंगे सेकेंडरी पेंटाइल, गलत हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा क्यों सेकेंडरी लगाए, तो उनके पास लॉजिक भी रहता है कि सर आप ही तो बताए थे, देखिए जहां से ये क्लोरीन बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये तो सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। अब उनसे एक सवाल है कि जो इसका नाम सेकेंडरी पेंटाइल बोल रहे हैं तो इसका नाम आप क्या बोलिएगा, तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके आप क्लोरीन लगाएंगे, तो फिर आप इसका बोलेंगे, अगर पूछा जाएगा कि नाम क्या है तो आप फिर बोलिएगा सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। हम पूछेंगे कि क्यों, तो आप बोलिएगा कि सर जिस कार्बन से क्लोरीन बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का नाम सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है।
तो सेकेंडरी बोलने वाले अलर्ट हो जाए, इसीलिए आपको नोट करके हम लिखा दिए कि सेकेंडरी जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज होता है, वो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तब बोलिए कि सर इसका नाम कॉमन सिस्टम में क्या होगा? इसका कॉमन सिस्टम में कोई नाम नहीं होगा। इसका कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा? इसका कॉमन सिस्टम में कोई नाम नहीं होगा। ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कॉमन सिस्टम का नाम का मतलब क्या हुआ, घर का नाम। और हर एक बच्चे का कोई जरूरी नहीं है कि दो नाम होता है, घर का अलग नाम हो और बाहर का अलग नाम हो। बहुत सारे बच्चे का होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे का नहीं होता है, लेकिन एक नाम तो सबका होता है। तो जो सबका होता है वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं आईपीएससी सिस्टम। जो आपका आधार कार्ड में नाम चढ़ता है वो तो सबका होता है। समझ में आ रही बात? आईसो पेंटेन में आपको बताए थे कितने तरह का हाइड्रोजन, चार तरह का हाइड्रोजन। तो सबसे पहला काम देखिए आइसो, ये यहां पर अगर सीएसटी दे देंगे तो यही आइसो पेंटेन है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दी। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5, पेंटाइल हो गया। कैसा पेंटाइल? तो आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन पे ये एक मिथाइल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। और बताए थे कि जिस एंड में आइसो दे रहा है उसके अपोजिट एंड में अगर कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे आइसो यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। आइसो पेंटाइल एक साथ, क्लोराइड अलग, बीच में ये गैप है। फिर क्या करेंगे, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जब यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो पांचवा स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब फिर आपसे देखिए आप पूछा जाए कि अच्छा इसका नाम बताइए, तो इसका कॉमन सिस्टम में कोई नाम नहीं होगा। याद कीजिए रूल, बोलिएगा नहीं सर ये तो आइसो दे रहा है, आइसो दे रहा है, हम भी बोल रहे हैं कि ये आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल है, लेकिन और क्या बताए थे कि बाकी जो चेन है वो कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए। कंटिन्यूअस चेन में हाइड्रोजन के अलावे कोई दूसरा एटम या ग्रुप कार्बन के टेट्रावैलेंसी को फुलफिल कर रहा है तो वहां पर आइसो यूज नहीं होता है। तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, क्लोरीन से हाइड्रोजन कार्बन का कोवैलेंसी फुलफिल कर रहा है या टेट्रावैलेंसी फुलफिल कर रहा है, तो इसमें आइसो यूज नहीं होगा। तो फिर पूछेगा इसका नाम क्या होगा कॉमन सिस्टम में, इसका नाम कॉमन सिस्टम में नहीं होगा। हम पहले भी बार बार बोल रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि हर एक कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम होने लगा था ना, जिसके चलते फिर आईयूपीएसी सिस्टम हुआ। तो उसके बारे में फिर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और क्लोरीन लगा देंगे तो छठा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। फिर अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसका नाम बताइए क्या होगा, तो देखिए टोटल कार्बन कितना है, 5, तो 5 कार्बन से पेंटाइल। कैसा पेंटाइल, तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है वह कार्बन टर्शियरी है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये दोनों में से, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक कार्बन से हम हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा देंगे। तो अब यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो गया, यहां पर हम लगा दिए। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका भी नाम कॉमन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। क्यों, याद कीजिए, देखिए पहला दूसरा, दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल दे रहा है। रूल क्या बताए थे कि जिस एंड में आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है उसी एंड में हाइड्रोजन के अलावे कोई दूसरा एटम से, या कह सकते हैं उसी एंड में कोई एटम या ग्रुप बॉन्डेड होता है तो वहां पर आइसो यूज नहीं होगा। तो इसका कॉमन सिस्टम में कोई नाम नहीं होगा। इस तरह से आइसो पेंटेन का चार स्ट्रक्चर हो गया। और लास्ट में क्या बताए थे, एक नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1, तो कोई भी हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन लगा दीजिए। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो देखिए जिस कार्बन के साथ ये लगा हुआ ये किसका कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, नियो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो पेंटाइल, और नियो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से पेंटेन का टोटल पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स जो हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया।
कैसे कैसे निकला, तो नॉर्मल पेंटेन से 3 निकला, आइसो पेंटेन से 4 निकला और नियो पेंटेन से 1 निकला। इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से दे दे आपको कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फ्रॉम आइसो पेंटेन। अब सिर्फ पेंटेन नहीं बोल रहा है, आइसो पेंटेन बोल रहा है कि आइसो पेंटेन में टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना होगा, तो क्या होगा बताइए आप लोग। अभी पढ़े, अभी जो आप पढ़े उसमें क्या बताए कि आइसो वाला में 1, 2, 3, 4 यानी कि यही 4 स्ट्रक्चर आप लिख दीजिए। आइसो आइसो पेंटेन में टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 4 है, तो यहां पे कितना स्ट्रक्चर लिखाएगा 4। अब वो कौन कौन लिखाएगा, तो सबसे पहले देखिए आइसो पेंटेन है, यही इसका नाम क्या हो गया आइसो पेंटेन, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना 4, तो 4 स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा देंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देंगे, और ये दोनों में से तो किसी से भी एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, तो पहला स्ट्रक्चर देखिए ये हो गया। अब इसका नाम अभी बताया गया, आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है टोटल कार्बन 5, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। यहां से अभी हटा करके एक आप क्लोरीन लगा देंगे, अभी बताया कि इसका नाम तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, तीसरा स्ट्रक्चर यहां से आप एक हाइड्रोजन हटा करके लगा दीजिए। अब ये जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है वह कार्बन टर्सरी है और टोटल कार्बन है 5 है, इसका नाम क्या हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक उसी तरह से ये दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके आप क्लोरीन लगा देंगे तो 4th जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हो जाएगा, और इसका तो नाम कॉमन सिस्टम में नहीं होता है, अभी आपको बताया गया, तो इसको भी आप है सो नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फ्रॉम ब्यूटेन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल आइसोमर्स। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स होता है, तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है। आपको आज ही बताया गया कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है, इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, और इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछा जाए तो इसमें 2 तरह का हाइड्रोजन है, और आइसो ब्यूटेन इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन, और इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए तो इसमें भी 2 तरह का, यानी कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना होगा 4। कैसे, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, और एक बार यहां से हटा के क्लोरीन लगा दीजिए। अब जैसे इसमें 4 स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए क्लोरीन लगा दिए, नाम बताइए क्या होगा, तो ये 4 कार्बन से ब्यूटाइल, कैसा ब्यूटाइल, कंटिन्यूअस चेन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ठीक उसी तरह से अब यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिए, 4 कार्बन ब्यूटाइल, कैसा ब्यूटाइल, तो यहां पर जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है सेकेंडरी है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और बार बार बोल रहे हैं कि सेकेंडरी जो वर्ड है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज होता है, वो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीसरा में क्या हो जाएगा, तो तीसरा में आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दीजिए, अब इसका नाम तो 4 कार्बन से ब्यूटाइल, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, आइसो का दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा देंगे, यानी कि चौथा जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। अब इसमें आपसे अगर नाम पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो हम कहेंगे ब्यूटाइल, कैसा ब्यूटाइल, तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है वह कार्बन टर्सरी है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कोई भी अल्काइल में कितना आपका टाइप्स ऑफ अल्काइल होगा ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन से, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करते हैं ये बहुत सारा एग्जांपल दे करके आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अल्कीन देखेंगे, उसके बाद अल्काइन देखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए,
और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।